इस बार का आईपीएल 2022 काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार के आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे आईपीएल की एक्साइटमेंट 10 गुना होने के पूरे आसार हैं। वहीं शनिवार को आईपीएल 2022 की ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम इंडिया के मध्य क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख रुपए में अपने साथ शामिल कर उन पर धन वर्षा कर दी। पिछली बार अय्यर को दिल्ली ने 7 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। अय्यर के लिए बिडिंग की शुरुआत आरसीबी ने की थी, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने उनके साथ टक्कर ली, लेकिन अंत में कोलकाता ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए में अय्यर को अपनी टीम में शामिल किया। कोलकाता ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंग्स को भी वापस लाने में कामयाब रहा। नई फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच लगाई जा रही बोली में केकेआर ने 7 करोड़ 25 लाख में वापस खरीद लिया। शिखर धवन पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स में बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज को लेने की होड़ मची थी। बाद में राजस्थान पीछे हट गया और जल्द ही दिल्ली भी पीछे हट गई, जिसके बाद पंजाब ने उन्हें 8 करोड़ 25 लाख में खरीद दिया। दिल्ली और राजस्थान के बीच ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को चुनने के लिए जयपुर की फ्रेंचाइजी ने उन्हें 5 करोड़ में खरीदा। चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, किंग 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बाद राजस्थान अश्विन की 5वीं टीम होगी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2021 सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले फैब डु प्लेसिस ने अपनी पूर्व टीम को शुरुआती दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन बैंगलोर चेन्नई से आगे निकलने में कामयाब रही और फिर उन्हें दिल्ली के खिलाफ बोली लगानी पड़ी। आखिरकार बैंगलोर ने उन्हें 7 करोड़ में प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीका के कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के लिए चेन्नई और लखनऊ ने ऊंची छलांग लगाई। उनकी पूर्व टीम मुंबई भी आई, जैसा कि लग रहा था कि लखनऊ ने 6 करोड़ 75 लाख रुपए में पा लिया। हालांकि दिल्ली को धवन नहीं मिले, लेकिन उन्हें वार्नर के रूप में एक सक्षम रिप्लेसमेंट मिला है। चेन्नई और मुंबई उन्हें खरीदने में रुचि दिखा रहे, लेकिन दिल्ली को वार्नर में 6 करोड़ 25 लाख रुपए का मूल्य दिखा। संयोग से वार्नर ने दिल्ली के साथ अपनी आईपीएल यात्रा शुरू की थी जब वे डेयर डेविल्स में थे। इस बार का आईपीएल काफी भव्य और दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार कुल 600 खिलाड़ी ऑक्शन में शामिल है। शनिवार और रविवार को बेंगलुरु में यह ऑक्शन आयोजित हो रहा है। वहीं कुल 600 खिलाड़ियों में 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हैं। वहीं सहयोगी देशों के 7 खिलाड़ी ऑक्शन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आईएनएस रिपोर्ट।